राहुल गांधी के पीएम बनने का सपना चकनाचूर हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने एक नया सपना देखा है। वो सपना है प्रियंका गांधी को देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का। यूपी कांग्रेस में ये मांग बड़ी जोरों से उठी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को प्रियंका गांधी के चेहरे पर लड़ना चाहिए। लेकिन यूपी में 7 विधायक और महज 1 सांसद वाली पार्टी हो चुकी कांग्रेस का ये सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली कहावत की ही याद दिलाता है। प्रियंका गांधी को लेकर आई इस खबर पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को पहले अपनी खस्ता हालत को ठीक करने की सलाह दी है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस में चाटुकारों की कमी नहीं है, लेकिन अभी उन्हें सीएम पीएम का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। नकवी की सलाह दरअसल कांग्रेस की हकीकत भी है, क्योंकि मोदी के खिलाफ तरह तरह की पार्टियों से गठबंधन करने के बावजूद कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें ही हासिल कर पाई है और कितने राज्यों में तो उसका खाता तक नहीं खुला है। दरअसल करारी हार के बाद माँ बेटी की जोड़ी पहली बार यूपी पहुँची, जहां सोनिया और प्रियंका ने कार्यकर्ताओं को जमकर खरी खोटी सुना दी। और यही वजह है कि पार्टी के भीतर बैठे चाटुकारों ने आलाकमान के कोप से बचने के लिए ये नया सुर्रा छोड़ा है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। संकट, समस्या, बगावत, आपसी झगड़ा, इन दिनों ये सारे शब्द ही कांग्रेस की पहचान बन गए हैं। चुनाव में तिली हार के बाद कांग्रेस में हर दिन कोई न कोई बवाल होता ही रहता है। अगर नहीं हुआ तो कोई नई मुसीबत सामने आ जाती है। अब सबसे नई मुसीबत मनमोहन सिंह को लेकर कांग्रेस में उठ खड़ी हुई है, जिनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और असम से उनके फिर से चुने जाने की कोई खास उम्मीद नहीं है। असम से ही कांग्रेस के एक और सांसद एस कुजूर रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन ना तो मनमोहन सिंह और ना ही एस कुजूर के असम से चुने जाने की संभावना है। आर्थिक मामलों के जानकार मनमोहन सिंह के संसद में नहीं होने की कमी कांग्रेस को बजट सत्र में खूब खलेगी। देश के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके मनमोहन सिंह को राज्यसभा में भेजना कांग्रेस के लिए फिलहाल मुश्किल है। इसके लिए कांग्रेस को अभी 1 साल तक इंतजार करना होगा। जब 22 राज्यों की 72 सीटों पर चुनाव होंगे, तब कांग्रेस मनमोहन सिंह के लिए 1 सीट का इंतजाम कर पाएगी। लेकिन इस काम के लिए भी उसे कुमार स्वामी की मदद की जरूरत होगी। अब कुमारा स्वामी HG देवेगौड़ा को राज्यसभा में भेजना पसंद करेंगे या फिर मनमोहन को, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस इसके लिए कोई न कोई नया रास्ता तलाशने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन संसद के किसी भी सदन में मनमोहन सिंह का ना होना शायद किसी को भी अच्छा ना लगे। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। जब से नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल गांधी और प्रियंका वड्रा से मिलकर आए हैं, गम में डूबे हैं। न कहीं जाना, न कहीं आना, न पत्रकारों से कोई बात और न ही ट्विटर पर चहकना, यानी चुपचाप बैठे हैं। अब तक ना तो वो अपने नए दफ्तर गए, ना ही ऊर्जा विभाग का काम संभाला। वो अब तक इसी उम्मीद में हैं कि राहुल और प्रियंका उनके लिए कुछ करेंगे तो वो आगे कदम बढ़ाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई कहीं पंजाब के किसानों पर भारी न पड़ जाए। कैप्टन ने किसानों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का आदेश दिया था। रबी की फसलों की बुआई का काम पंजाब में चल रहा है, किसानों को बिजली चाहिए। अब पेच ये है कि जब तक सिद्धू अपने विभाग के अफसरों को आदेश नहीं देंगे, तब तक ये सुनिश्चित कर पाना मुश्किल होगा कि किसानों को पूरी बिजली मिले। खैर, सिद्धू को किसानों से क्या लेना देना, वो तो बस कैसे भी कैप्टन को मात देना चाहते हैं और इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार बैठे हैं। आखिर पंजाब का CM भी तो उन्हें बनना है। इसी सपने को पूरा करने के लिए ही वो BJP से कांग्रेस में आए थे। अब उनके रास्ते में कैप्टन आ गए। राहुल गांधी ने मामले को सुलझाने के लिए अहमद पटेल को लगाया है, उन्हें ही कैप्टन और सिद्धू के बीच सुलह सफाई करवानी है। लेकिन सिद्धू पूरी तरह हैंड फ्री चाहते हैं, ऐसा कैप्टन कभी होने नहीं देंगे। सरकार में मंत्री बने रहना है तो सिद्धू को कैप्टन की सरपरस्ती कबूल ही करनी होगी और अमरिंदर सिंह को अपना कैप्टन मानना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।
बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजों का सबसे ज्यादा असर लालू परिवार पे पड़ा है। जेल में बंद लालू यादव जमानत को छटपटा रहे हैं। वहीं लालू के सियासी वारिस तेजस्वी यादव के चेहरे पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में शिकस्त के बाद से तेजस्वी सार्वजनिक जीवन से लापता है। आखिरी बात तेजस्वी यादव को 28 मई को अपनी मां राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित बैठक में देखा गया था, जिसके बाद से तेजस्वी अपने परिवार के दो बड़े कार्यक्रमों से नदारद रहे। चाहे वो 2 जून को राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी हो या फिर 11 जून को लालू यादव का जन्मदिन। पार्टी के नेता भी तेजस्वी यादव के लापता होने से हैरान है। वहीं जेडीयू और बीजेपी के नेता लगातार तेजस्वी पर हमले कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो तेजस्वी दिल्ली में बैठे हैं और वो भी राहुल गांधी की तरह ही हार के गम में कोप भवन में चले गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं के निशाने पर है। इसके साथ ही महागठबंधन के मांझी और कांग्रेस ने भी उनके नेतृत्व पर सवाल उठा दिए, क्योंकि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी अंडा लेकर आई है। शायद यही वजह है कि तेजस्वी फिलहाल मीडिया के सवालों से बचना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जायजा दिल का अगर लो तो वफा से खाली, शक्ल देखो तो नमकखार नजर आते हैं, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जी हाँ, बीजेपी को सिर्फ 2 लोगों की पार्टी बताकर कांग्रेसी हाथ थामने वाले शत्रुघ्न सिन्हा के सुर बदल गए हैं। बिहारी बाबू अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में उतरे हैं। शॉटगन ने 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के मोदी सरकार के फैसले को शानदार कदम बताया है। चुनावी नतीजों के बाद ये दूसरा मौका है जब शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी नेतृत्व की तारीफ की है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी सिन्हा ने जहां मोदी को बधाई दी थी, वहीं अमित शाह को बेहतरीन रणनीतिकार बताया था। दरअसल शॉटगन ने ट्विटर के जरिए मोदी सरकार के फैसले की सराहना की है। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी में रहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पर खुलकर निशाना साधने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने मौसम के मिजाज को भांप लिया है, और क्या वो एक बार फिर बीजेपी में शामिल होने की सोच रहे हैं? क्योंकि पटना साहिब में हार के बाद से शत्रुघ्न सिन्हा ने ना तो राहुल गांधी से मिलने की जहमत उठाई और ना ही कांग्रेस के किसी नेता से मुलाकात ही की है। उल्टा वो मोदी और शाह की बड़ाई करने में जुटे हैं। संभव है शत्रुघ्न सिन्हा जल्द ही ये डायलॉग मारते नजर आए कि सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रचंड जीत के साथ मोदी सरकार की वापसी के बाद से सीपीआई के पोस्टर बॉय कन्हैया कुमार अज्ञातवास पर चले गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए कथित रूप से फ्री वॉइस कहलाने वाले कन्हैया की वॉइस ही म्यूट हो गई है। लगता है बेगूसराय में गिरिराज सिंह के हाथों करारी हार के सदमे से कन्हैया कुमार अब तक उबर नहीं पाए हैं। तभी तो सोशल मीडिया से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले कन्हैया कुमार सोशल मीडिया से भी गायब है। ट्विटर पर कन्हैया कुमार को 6 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। वहीं यूट्यूब पर भी कन्हैया कुमार के चैनल को 1.5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। कन्हैया ने आखिरी ट्वीट 26 मई को किया था। वहीं कन्हैया के यूट्यूब चैनल पर भी 1 महीने से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है। माना कि कन्हैया अभी मेनस्ट्रीम मीडिया के सवालों का सामना कर अपनी फजीहत नहीं कराना चाहते, लेकिन सोशल मीडिया तो उनकी यूएसपी रहा है। ऐसे में सब यही जानने को बेताब है कि कन्हैया का चेहरा आखिर कहां छुपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जेडीयू नेता अजय आलोक ने पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। अजय आलोक ने कहा है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शर्मिंदगी की वजह नहीं बनना चाहते। अजय आलोक ने ये साफ तो नहीं किया कि उनके राजनीतिक गुरु नीतीश कुमार उनकी किस बात से शर्मिंदा हो सकते हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार अजय आलोक के ममता बनर्जी के खिलाफ हमलावर रुख से नाराज थे। दरअसल अजय आलोक लगातार ममता बनर्जी की आलोचना कर रहे थे। उनकी ट्विटर वाल इस बात की गवाही देते हैं। अपने एक ट्वीट में आलोक ने जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर की कंपनी के ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभालने पर सवाल उठाए थे।
कहा जा रहा है कि पीके पर सवाल उठाने के चलते ही अजय आलोक नीतीश के कोप के भाजन बने। आलोक के प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा ममता के साथ जुड़ने के बाद भी पीके के खिलाफ नीतीश कुमार ने कोई एक्शन नहीं लिया। यही वजह है कि बिहार की सियासी फिजाओं में ममता और नीतीश के बीच नजदीकी की अटकलों को और बढ़ावा मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।